हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पुराने गमले में हम कैसे एक नया प्लांट की सैपलिंग उगा सकते हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं, मेरे सामने एक गमला पड़ा है जिसके अंदर पहले एक दूसरा प्लांट उगता था जो कि अब नहीं है इसमें। तो अब इसी में हम कैसे नई सैपलिंग डालेंगे, जैसे कि हमारे पास ये है, तो हम इसे कैसे ग्रो करें ये हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिट्टी इसमें ऑलरेडी है और इसमें पहले से ही खाद मिली हुई है। और आप देख सकते हैं, इसको मैंने गीली कर लिया है। तो हमें इसको गीली कर देनी है और अच्छे से इसकी ऐसे खुदाई करनी है गाइस। तो हम खुदाई करते रहेंगे गाइस। इसकी अच्छे से खुदाई करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैन्योर टाइप डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक नीम कवच है, जो ये एक्चुअली मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर भी है और पेस्ट रिपेलेंट भी है। तो इससे क्या होगा कि मतलब कीड़े नहीं लगेंगे हमारे प्लांट में। तो गाइस, ये थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। मैं आपको बताता हूँ इसे हमें कितना डालना है। ये देख सकते हैं, ये पैकेट, इसे हम देखिएगा इस कितना डाल रहे हैं। ये आनी गार्डन से देखिएगा, ये आ रहा है, दिख रहा होगा गाइस आपको। बस गाइस, हमें इतना ही डालना है। अभी देख सकते हैं गाइस, ये देखिएगा इस यहाँ पे आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, ये है गाइस। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है गाइस। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं पूरा वो जो भी हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हमें इसके बिल्कुल गमले के बीचों बीच में थोड़ा सा होल डिक करना है इस तरह से। ये हमने थोड़ा सा होल यहाँ पे बना लिया है गाइस। अब हमें हमारी जो ये प्लांट है इसे हमें बहुत ही आराम से अच्छे से देख सकते हैं गाइस, इसकी जड़ें हैं ये, अभी इनको ऐसे डालना है और फिर इसको कवर कर देंगे गाइस। ये देखिए गाइस, इसे हमने अच्छे से कवर कर दिया है गाइस। इसे थोड़ा सपोर्ट चाहिएगा अभी। पहले हम इसे अच्छे से मिट्टी से चारों तरफ से कवर कर देंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमारी प्लांट की सैपलिंग आराम से कवर हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी टेढ़ी है, ये इसलिए टेढ़ी है क्योंकि इसे सपोर्ट की जरूरत है। जैसे हमने अभी इसे लगा दिया है और ये लग चुकी है गाइस, जैसे आप देख सकते हैं। अब हमें थोड़ा सा इस पर वाटर डालना है। वैसे ऑलरेडी गिली है मिट्टी, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा ही डालेंगे गाइस, ताकि इसके पास की मिट्टी थोड़ी गिली हो जाए अच्छे से और इसको पानी मिल जाए अच्छे से। तो गाइस, अब हमें इसकी रोज़ इसकी केयर करनी है। अभी आप देख सकते हैं ये सपोर्ट नहीं है इसको, तो हम इसको पहले सपोर्ट देते हैं गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक लकड़ी की मदद से इस प्लांट को सपोर्ट दे दिया है गाइस। तो ऐसे ही हमें कोई भी नया प्लांट अगर पुराने गमले में लगाना है तो यही प्रोसेस यूज करना है। और अब इसको रोज़ पानी देना है और 15 से 20 दिन के बीच में इसे थोड़ी सी खाद प्रोवाइड करनी है गाइस। ये जो है ना, ये पेस्ट रिपेलेंट है और ऑर्गेनिक मैटर है, मैन्योर है, तो ये ज़्यादा नहीं देते हैं, एक अलग तरीके की खाद आती है जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।